तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप देख सकते हैं मैं पूरा अपने मतलब थोड़ा जयपुरी का लुक और अपने उत्तराखंड का लुक मैंने क्रिएट किया है। और ये देखिए मेरी रंगीली पिछौड़ी, ये देखिए मेरा लुक, ऐसी लग रही हूँ मैं। पर हम लोग कथा वगैरह पढ़ के मतलब सुन के आ चुके हैं और अभी हम लोग थोड़ा फोटो शूट करने की तैयारी में है कि फोटो शूट करूंगे ताकि ये पिछोड़ा पहनने का मौका कभी कभी मिलता है, जैसे कि कुछ फंक्शन में पहन लिया या फिर करवा चौथ पे पहन लिया। मैंने आज कैसी लग रही मुझे बताना, ये देखिए। और ये है मेरा गलवंद और ये है मेरी नथ। अब बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। फाइनली गाइज, आज मुझे बहुत टाइम बाद अपना ये पिछड़ा पहनने का मौका मिला है, पूरे एक साल बाद। क्योंकि मैं ज्यादा मतलब मुझे पसंद तो बहुत है पहनना, पर मैं यहाँ पे ज्यादा कोई पहनता नहीं है तो मैं पहन के नहीं जा पाती। पर हाँ, अच्छी बात है, हमारा कल्चर है और हम तो मतलब उत्तराखंड के हैं तो उत्तराखंड की चीजें दिखाएंगे ही। और ये देखिए, यहाँ पे तो नथ भी नहीं पहनता है कोई, ज्यादातर लोग नहीं पहनते हैं। और मैं तो बन ठन के बकायदा गई थी, ऐसे सब मेरे को ही देख रहे थे, भाई ये कहाँ से आई है लड़की। भाई पता चलना चाहिए हम उत्तराखंड वाले हैं, जहाँ कहीं भी रहेंगे अपनी छाप तो छोड़ ही जाएंगे। तो हम गए थे मंदिर और हमने वहाँ पे कथा वगैरह सुनी और थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई। मैंने कथा की तो वीडियो नहीं बनाई थी, फिर सब लोग ऐसे मंदिर में दर्शन करने लग गए थे, मैंने थोड़ा सा ऐसी मतलब वीडियो बना ली थी, क्योंकि कथा सुनते हुए तो अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे फ़ोन पकड़ के रहना। फिर हम लोग घर वापस आने लग गए थे तो मम्मी जी ने मेरी वीडियो मतलब वीडियो बनाने लग गई थी हमारी गली की। तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा सा शूट कर लो। पर मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग बता रहा, सारे गली वाले मुझे ही देख रहे थे कि ये पहाड़ी मतलब कहाँ से आ गई है पिछोड़ा छोड़ा पहन के। अब हम पूजा करने लग गए थे, छत में गए, मम्मी लोग ने पहले ही पूजा कर ली थी तो मैंने जल वगैरह चढ़ाया चंद्रमा को। और मतलब हम लोग, मैं आराम आराम से कर रही थी क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था। फिर मैं इनकी मम्मी से बार बार पूछ रही थी कि बताओ ना ये कैसे करना है वो कैसे करना है करके, फिर वो मेरे को बता रही थी। अब मैं चांद को देख रही हूँ और चांद की आरती उतार के फिर मैं अपने पति जी की आरती उतारूंगी। मेरे पति को देखिए आप कितने शांत होकर खड़े, बेचारे जैसे मैंने मार के खड़ा किया है इनको। अब ये देखिए मेरा चांद स्माइल करने लगा है। बेचारे ऐसे खड़े थे जैसे कि जबरदस्ती खड़ा नहीं कर देते कहीं, भाई खड़े हो जाओ यहाँ पे आके ऐसे करके। और मैं कितना मुस्कुरा मुस्कुरा के ऐसे वीडियो शूट करा रही हूँ और पूजा वगैरह कर रही थी, और इनको देखो ऐसे शांत होके खड़े थे, बट अच्छा लग रहा था। पूरा दिन मतलब ऐसे फास्ट वगैरह करके और शाम को पानी वगैरह पीना, उसका मज़ा ही कुछ अलग आता है। मैंने फिर अपने हस्बैंड का मतलब ऐसे मतलब पहले सारा सब मम्मी से ही पूछ रही थी क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था, सब कुछ उन्होंने बताया था कि ऐसे करते हैं। सबका अलग अलग होता है ना करने का तरीका, मेरे घर में तो मम्मी अलग करती हैं, यहाँ पे अलग करते हैं, तो हर चीज़ मुझे पूछ पूछ के करनी पड़ी थी कैसे करना है। अब मैं अपने पति का टीका लगा रही हूँ। मैंने कहा लो भाई आज पूजा है तुम्हारी, खुश हो जाओ। चावल वाले चावल आके पीछे डाले, फिर उसके बाद थोड़ा मतलब प्रसाद बनाया था मैंने, वो वहाँ पे मैंने चंद्र भगवान को भोग लगाया, चंदा मामा को भोग लगाया। और वहाँ पे मैंने रखा मतलब दिया वगैरह सब वहीं पे रखा था। सबका मतलब अलग ही अलग होता है, मुझे सच में अलग हर टाइम में जब भी मैं पूछती हूँ मुझे अलग ही समझ में आता है। घर पे अलग हम लोगों ने आशीर्वाद वगैरह लिया जहाँ हमने दिया रख रखा था, फिर मैंने कहा यार थोड़ा सा इधर उधर का, फिर पानी पिलाने लग गए मेरे को। बड़ा सुकून मिल रहा था पानी पीने के बाद। वैसे तो यहाँ पे दिन में हम लोग चाय वगैरह पी लेते हैं कथा सुनने के बाद। अब मैं अपने हस्बैंड को पानी पिलाऊंगी, तुम्हारा फास्ट तो नहीं है, कम से कम पानी तो पी लो मेरे हाथ से, बीमार रहते इसलिए रखा नहीं इस बार।